Fiki presents in association with DST. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेशन कई होते हैं, लेकिन असली इनोवेशन वो है जो हमारे भविष्य को, हमारी धरोहर को मजबूत करे। हमारा भविष्य क्या? हमारा भविष्य वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी को, उनके दिमाग को समझ नहीं पाते हैं। दरअसल बच्चों की कई नई परेशानियां सामने आ रही हैं जैसे जैसे हमारे जीवन का तरीका बदलता जा रहा है। कह रहे हैं हम कि हमारी सोसाइटी, हमारी सोशल लाइफ बदल रही है, और उसके साथ साथ हमारे बच्चों के साथ कई डिसऑर्डर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा इनोवेशन भी हो सकता है जो बच्चों के इस डिसऑर्डर पर काम करे, खास तौर पर डिसलेक्सिया? तारे जमीन पर एक फिल्म आई थी, उसके जरिए आप कुछ बातों को समझ पाए होंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और इस पर क्या इनोवेशन किया है, ये बताने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नंदनी चैटर्जी सिंह का। नंदनी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के साथ वैज्ञानिक के तौर पर जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने डिसलेक्सिया से जूझने वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया। उनका जो इनोवेशन है वो डिसलेक्सिया और दूसरे इस तरह के डिसऑर्डर से जूझने वाले बच्चों के लिए काम करता है। तो सबसे पहले सैल्यूट है आपको। जैसा मैंने कहा कि कोई भी इनोवेशन जो हमारे देश के भविष्य के लिए काम करे वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बशर्ते हम उसको समझ पाएं। और हमेशा की तरह हमारे साथ में जूरी मेंबर्स भी मौजूद हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करवा देता हूँ। विजय गणपति जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। अजय मुत्रेजा साहब हमारे साथ मौजूद, आलोक डे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नंदनी जी, कैसे आपके दिमाग में आया, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी पर तो आप ऑलरेडी काम कर रही हैं ब्रेन रिसर्च सेंटर के साथ, और यहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे होंगे, नया क्या, इसमें इनोवेशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? एक न्यूरोसाइंटिस्ट होने के नाते मैंने जब NBRC में रिसर्च शुरू किया तब मुझे बहुत आश्चर्यता यह थी कि दिमाग पढ़ता कैसे पढ़ना सीखता है। अच्छा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आजकल तो हम सब बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, पर दिमाग में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो सिर्फ पढ़ने के लिए बना हो। ये इंसान ने बनाई हुई चीज है। भाषा के लिए हिस्सा है, उसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं, जो आपने शायद सुना होगा, पर पढ़ने के लिए दिमाग को काम करना पड़ता है और दिमाग को सिखाना पड़ता है। इस प्रोसेस में जो भाषा के जो अलग अलग ध्वनियां हैं उनके साथ हमें अक्षर या सिंबल्स जोड़ने पड़ते हैं, तो सुनने की जो क्षमता है वो टेम्पोरल लोब में होती है, कान के ऊपर टेम्पोरल लोब होता है, और जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स, जो देखने की क्षमता है, जो दिमाग के पीछे के वाले हिस्से में होता है, और दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं वहां भाषा बैठती है। अब ये तीनों जब चीजें साथ में काम करती हैं, जैसे हम न्यूरोसाइंस में कहते हैं इन कॉन्सर्ट, तब जाके बच्चा पढ़ना सीखना सीखता है। और मैं ध्यान चाहूंगी कि ये आप ध्यान से रखें, 1 में से 10 बच्चे की बनावट अलग होती है। इसका मतलब हमारे कक्षाओं में, हमारे क्लासरूम्स में ऐसे कई बच्चे हैं जो जब पूरी क्लास को पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन बच्चों के बारे में क्या हम भूल जाएं, क्या हम छोड़ दें उनको? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है टीचर्स और पेरेंट्स के बारे में जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जिनके हाथों में बच्चों का भविष्य है। और शायद आपका इनोवेशन उन्हीं के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेकर आया। तो पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके इस इनोवेशन के बारे में देखते हैं और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नंदनी सिंह ने स्पेशल बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी इनोवेशन किया है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे बच्चों को पहचानना है। डॉक्टर नंदनी ने एक ऐसा स्क्रीनिंग टूल विकसित किया जिससे ऐसे बच्चों को आसानी से पहचान सकते हैं। इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसकी ट्रेनिंग भी देने की व्यवस्था है। अगर इस इनोवेशन को स्केल अप किया जाए तो भारत में करीब 3 करोड़ बच्चों को फायदा होगा।
तो आपने देखा नंदिनी जी और उनकी टीम किस तरह से काम कर रही है। नंदिनी जी, ये तो एक हमको समस्या भी पता है, जैसे ही आप बच्चों की बात करते हैं, जैसे ही आप बात करते हैं डिसलेक्सिया की या दूसरे डिसऑर्डर्स की, तो जहन में आता है कि नहीं, ये तो एक ऐसा काम है जिसका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं समझना चाहूंगा कि इसको इनोवेशन क्यों कहें, इसमें किस तरह की फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या इसके कोई बिजनेस एस्पेक्ट्स भी हैं। तो मैं एक एक करके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसमें इकोनॉमिक्स बहुत बिल्ट इन है। हर डिसलेक्सिक बच्चे को संभालने के लिए सरकार को करीब हर बच्चे पर 5 लाख का खर्चा करना पड़ता है, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। पर अगर आप दूसरी तरफ से सोचिए, अगर इस बच्चे को हम सही सपोर्ट सिस्टम दे पाए तो ये इकोनॉमी का एक हिस्सा बन जाएगा। अभी कुछ सवाल होंगे, जैसा मैंने कहा कि इनोवेट इंडिया के मंच पर हम हमेशा बिजनेस की बात करते रहे हैं, लेकिन विजय जी, इसको किस तरह के इनोवेशन के तौर पर देखते हैं? हालांकि हम में से कोई मना नहीं कर सकता कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन क्या व्यवसायिक एस्पेक्ट आप इसके देखते हैं? इस मॉडल को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, और अभी तक जो बात आपने सुनी उसमें कितना आपको लगता है कि ये पूरे देश में फैल सकता है? देखिए, आपने जो एक एक सही बात कही वो तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इस तरह का इनोवेशन हुआ भी नहीं है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक NBRC के लिए एक क्लैप हमें करना चाहिए कि इतना बड़ा इन्होंने काम किया, तो वो अपने इसको, ये तो सच है। अब प्रश्न यह है कि ये इनोवेट इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इससे बिजनेस कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका बायर कौन है? अगर ये जो है, एक तो हो गया CSR, जो मैं बताऊंगा CSR में आप कैसे कर सकते हैं वो अपनी जगह है। अगर मैं इसको एक फॉर प्रॉफिट एंगल में देखता हूँ तो ये आपका जो टूल है कौन खरीदेगा? हर स्कूल को खरीदना चाहिए। चाहिए, है ना? आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज बोली है, चाहिए। तो अभी हमारे स्कूल जो है ना, उस लेवल पे नहीं आए हैं जहां वो इस चीज की चाह करें, मतलब डिमांड नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि स्कूलों में इसको पहुंचाना, कि ये एक ऐसा टूल है जो उनको जो है अपना काम शायद करने में ज्यादा हेल्प करे। दूसरा जो है, माता पिता के लिए भी अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उनको पता चले कि उनका बच्चा जो है डिसलेक्सिक है, उस उम्र में पता चले, तो अपने वो भी जो है, जो अभी आपने जैसे कहा कि अगर वो नहीं पढ़ पाता तो बच्चे को कह देते या तो बुद्धू है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है माता पिता खुद जो कम से कम जो है इसको अपना सकते हैं, इसको जो है अपने बच्चे के लिए आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। स्कूलों के बजाय क्या इंडिविजुअल्स को भी ये प्रोवाइड करने पर विचार हुआ? इस पर हम बात करेंगे। अजय जी, आप, मैं चाहूंगा ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा छोटा कमेंट सभी का हो जाए। डॉक्टर नंदिनी, पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इस एरिया में कर रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है। अगर आप देखिएगा जो आप कर रहे हैं, जैसा विजय जी ने कहा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें बिजनेस कैसे कर सकें आप। स्कूल्स जो हाई इनकम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके प्री स्कूल्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पे आप इसको अडॉप्ट करिए और उनके थ्रू पेरेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन भेजिए कि अर्ली डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो सके, ये बहुत जरूरी है। और एक अभी मैं एक और मेडिकल टेक्नोलॉजी जो फिक्की के थ्रू मिलेनियम अलायंस का मैं बैंगलोर में गया था, कितने छोटे बच्चे होते हैं जिनका एक एक दो दो तीन तीन साल तक ये नहीं पता लगता कि उनको हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो अर्ली डायग्नोसिस का वो कंपनी को मैं देख के आया हूँ। ऐसे कई अर्ली इंटरवेंशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है, उसको पूरी दुनिया में। आलोक जी, मैं चाहूंगा ब्रेक पर जाने से पहले आप, थिंक जो अभी डिस्कशन हुआ अब तक, तो मेरे को लग रहा है कि आपका फाइनल टारगेट फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कस्टमर्स आर द पेरेंट्स टीचर्स, बट जो फाइनल बेनिफिशियरी जो है उसको, जो पेरेंट्स को जितना उसमें लगेगा कि हाँ, स्कूल और टीचर से ज्यादा पेरेंट्स को सबसे लगेगा कि उनको सबसे, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल देयर चिल्ड्रन, सो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड फॉर द अर्ली डिटेक्शन। सो दैट इज वन थिंग आई थिंक वी कैन कीप इन आवर माइंड, सो दैट्स माय सजेशन हियर। तो हम जरा इस पर भी बात करेंगे कि अल्टीमेटली उस बच्चे तक आपकी चीज कैसे पहुंचेगी। बिजनेस एस्पेक्ट पर बात हुई है, तो अगर आपको कोई फंडिंग आज इस मंच से मिलती है, और फिक्की की तरफ से मिलती है, मिलेनियम अलायंस की तरफ से मिलती है, उन्हें अगर इसमें कुछ ऐसा लगता है कि ये बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ सकता है, तो आप क्या करना चाहेंगे, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. जिंदगी एक बॉक्सिंग रिंग है और कठिनाइयां हमारे opponents, जो अपने इन विरोधियों को जिंदगी की फाइट में मात देकर अपना मुकाम हासिल करता है, वही कहलाता है self-made.
नमस्कार, मैं हूं रोहित रॉय और ऐसे ही कुछ योद्धाओं की कहानी लेकर आ रहा हूं आपके पास जी बिजनेस पर। हेल्दी इंडिया बनाएंगे, पतंजलि बिस्किट खाएंगे। पतंजलि बिस्किट 100% स्वास्थ्य और खुशी, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और अनहेल्दी मैदा रहित। इंडिया खाएगा हेल्दी, बनेगा हेल्दी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर। मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। बिजनेस ने किया सरकार के टैक्स टेरर का खुलासा, और अब खुद पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से सुनिए कैसे डीमोनेटाइजेशन ने आर्थिक गलेबंदी में लगाई सेंध, कैसे वादों के बावजूद नहीं मिल रही हैं नौकरियां, कैसे लगातार बढ़ रही है अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। शनिवार और रविवार दिन भर सिर्फ जी बिजनेस पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर। मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बच्चे। बच्चों के साथ अगर कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी से दूर मत भागिए, उसे आइडेंटिफाई करिए, और उस परेशानी को दूर किया जा सकता है यदि सही मार्गदर्शन मिले, सही सलाह मिले। डॉक्टर नंदिनी, बिजनेस मॉडल की जब बात हुई तो स्कूल आपके टारगेट्स हैं, पेरेंट्स आपके टारगेट हैं, टीचर्स आपके टारगेट्स हैं, कैसे आप इन तक पहुंच रहे हैं, और अगर आपको कोई फंडिंग मिलती है या उसकी जरूरत आप महसूस करती हैं, उससे क्या किया जाएगा? तो जैसे आपने पहले ही कहा कि टीचर्स और पेरेंट्स तक पहुंचना है। अब इस इनोवेशन को बनाते वक्त हमने एक चीज करने की कोशिश की है कि भारत की अलग भाषाओं में इनको बनाने की कोशिश की है, ताकि ये इंग्लिश सेंट्रिक ना रहे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरी इच्छा यही रहेगी अगर मिलेनियम अलायंस के थ्रू इनोवेशन हमें ग्रांट मिले, कि टीचर्स के लिए हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स करें। तो दूसरी चीज जो मैं करना चाहती हूँ वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यहाँ मोबाइल फोन के जरिए अगर ये जो स्क्रीनिंग टूल है इसको एज एन ऐप हर मोबाइल फोन पे अवेलेबल किया जा सके, तो ये सिर्फ दिमाग की एक बनावट है, और उस बनावट को कैसे हम एक पाथ दे सकते हैं ये रियलाइज करना एज अ सोसाइटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन, न्यूटन दोनों को अब कहते हैं लोग कि डिसलेक्सिया था। आप कुछ सवाल पूछना चाहें नंदिनी जी से? नंदिनी जी, मैं आपसे दो तीन बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा। अभी तक आपने कभी सोचा है कि इसको पीडियाट्रिशियंस के थ्रू आप प्रमोट करें थ्रू टेक्नोलॉजी? जैसे आपने कहा डिजिटल ऐप बनाना, आप अकेले क्यों बनाते हैं डिजिटल ऐप? सब बच्चे जब पैदा होते हैं और 12 साल तक वैक्सीनेशन होता रहता है तो वो पीडियाट्रिशियन से मिलते रहते हैं, चाहे हर महीने जाएं या हर 6 महीने बाद जाएं। वहां पे उनकी मदर तो उनके साथ जरूरी जाती है, फादर भी जाते हैं। तो आपका टारगेट ऑडियंस अगर पीडियाट्रिशियन है, और पीडियाट्रिशियन गाँव में भी है और शहरों में भी है, वहां पे अगर आप अपना ऐप पीडियाट्रिशियन को दे दें,
तो चांसेस आप प्रमोट हो। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये कितने स्कूल में डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है? अगर आप चाहते हैं कि जहां पे वाईफाई कनेक्टिविटी है और एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, चाहे म्यूजिक है, अगर आप उसको प्रमोट उन्हीं जगह करना चाहते हैं जहां डिजिटल मीडिया यूज कर सकते हैं, ये आइडिया अगर आप किसी भी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास पहुंचा दें, तो मन की बात में अगर वो बोल दें रेडियो पे, तो ये आइडिया पूरे इंडिया में फैल जाए। क्या बात है, मैं उम्मीद करता हूं कोई देख रहा हो, क्योंकि ये एक तरीका है। आप सही मंच पर आए हैं, इस मंच का मकसद है कि आपको मार्गदर्शन तो मिले, साथ ही साथ आपके बारे में जानकारियां भी जाएं। एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। डॉक्टर नंदिनी के इस इनोवेशन के बारे में कुछ और बातें होंगी, और जैसा उन्होंने कहा कि क्या फंडिंग मिल सकती है मिलेनियम अलायंस से, CSR के जरिए या किसी और तरीके से, उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. जिंदगी एक बॉक्सिंग रिंग है और कठिनाइयां हमारे opponents, जो अपने इन विरोधियों को जिंदगी की फाइट में मात देकर अपना मुकाम हासिल करता है, वही कहलाता है self-made. नमस्कार, मैं हूं रोहित रॉय, और ऐसे ही कुछ योद्धाओं की कहानी लेकर आ रहा हूं आपके पास जी बिजनेस पर। इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पुराने तरीकों वाले, एक नए सिलिकॉन वाले। एक जो GST से घबरा रहे हैं और दूसरे जो GST को अपना रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस चलते हैं GST रेडी टैली पे, बिलिंग से लेकर फाइलिंग तक। टैली है तो तैयार हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर। मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। बिजनेस ने किया सरकार के टैक्स टेरर का खुलासा, और अब खुद पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन से सुनिए कैसे डीमोनेटाइजेशन ने आर्थिक गलेबंदी में लगाई सेंध, कैसे वादों के बावजूद नहीं मिल रही हैं नौकरियां, कैसे लगातार बढ़ रही है अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। शनिवार और रविवार दिन भर सिर्फ जी बिजनेस पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। तो उठाएं अपना फोन और मिलाइए ये नंबर। मैं और मेरी टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बताएंगे कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कैसा है उनका परफॉर्मेंस, और वो सारी जानकारी जिससे जुड़ा है आपका फायदा। देखिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये इनोवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं हमारे स्कूलों में या परिवारों में जिनकी परेशानियों को हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि ये बच्चे औरों से अलग क्यों हैं, लेकिन उनका जो जिसे हम डिसऑर्डर कहते हैं वो कई बार उनकी प्रतिभा भी हो सकती है। आप लोग अपने रिसर्च सेंटर में बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब आप न्यूरो साइंटिस्ट बनने का आपने सोचा होगा तब भी आपके सामने इस तरह की कई केस स्टडीज और कई चीजें सामने रही होंगी, खासतौर पर चाइल्ड साइकोलॉजी। हम इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, मतलब क्या हम डिजिटल इंडिया का इंतजार कर रहे थे, या क्या आपको अड़चने लगती हैं कि इस वजह से हम
इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाते। दिमाग और मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जो एक ब्लैक बॉक्स की तरह रहा है अब तक। पिछले 20-25 सालों में इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने जो एडवांसेस किए हैं उसके द्वारा अब हम दिमाग के अंदर देख सकते हैं। और भाषा और रीडिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसान करते हैं। अभी तक तो हमने ऐसे एनिमल्स नहीं देखे हैं जो पढ़ पाते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज, रीडिंग, इन चीजों की समझ पिछले 20-25 सालों में ही हो पाई है। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी करीब 10 सालों से है। तो हमने कैसे सीखा कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं? तो बच्चे एक MRI स्कैनर में जाते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने दिल्ली गुड़गांव के बच्चों के साथ किया है, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स के साथ बात करके बकायदा इन्फॉर्म कंसेंट ली गई है। तो ये बच्चे स्कैनर में जाते हैं, जैसे अवतार मूवी में आपने देखा हुआ एक मशीन है जिसमें घुसते हो और बंद हो जाती है। उनके सामने एक स्क्रीन लगाई जाती है, उस पर शब्द दिखाए जाते हैं और वो शब्द पढ़ते हैं। और अब हम मेजर कर पाते हैं कि दिमाग के किस हिस्से में कितना खून बह रहा है। जिस जो हिस्सा भाग ले रहा है उस खून उस जगह को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑक्सीजन ले लेता है। वो जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो रेशियो है हम सेंस करके बता पाते हैं कि दिमाग के किन हिस्सों में कितना कितना खून पहुंच रहा है और कितना अब्सॉर्ब हो रहा है। मैं दूसरी चीज ये कभी कहूंगी कि डिसलेक्सिया इज नॉट क्योरेबल। यू कैन नॉट क्योर द ब्रेन, बट यू कैन टीच द ब्रेन हाउ टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। ओके, दैट बिकॉज द ब्रेन कैन लर्न एंड इट कैन लर्न थ्रू आउट इट्स लाइफ। द आइडिया इज टू एक्सपोज दिस लर्निंग एंड ब्रिंग इट टू द क्लासरूम। अब जो बिजनेस एस्पेक्ट जिसकी हम बात, विजय जी आप कुछ पूछना चाहें? देखिए तो ये तो बात हुई आइडिया की जो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मेजर इश्यू जो निकल के आ रहा है वो ये है कि इसको हम एक बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं, क्योंकि ये अभी NBRC इसको सपोर्ट कर रहा है या फिर और भी थोड़े एजेंसीज होंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे हमें और लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करना है, इसका स्केल बढ़ाना है, इसका रीच बढ़ाना है, तो हमें इसको एक सस्टेनेबल मॉडल सोचना पड़ेगा। तो एक तरीका जो है सस्टेनेबिलिटी देखने का, एक नज़रिया जो है वो है कि हम एक, क्योंकि अभी ये NBRC में है, तो क्या हम इसको NBRC से लेके एक नई सेक्शन 8 कंपनी जो है हम एक बनाएं, जिसके थ्रू जो है इसके जो सारे काम हैं उसको करें और इस पर CSR का जो है कुछ कंट्रीब्यूशन भी कंपनीज की तरफ से आए, तो इसको हम और थोड़ा स्केल अप इसको कर सकते हैं। आई थिंक योर डिटेक्शन टूल इज नॉट द प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट इज पोस्ट डिटेक्शन द लर्निंग पाथवे दैट यू आर गोइंग टू रिकमेंड टू द पेरेंट्स। सो देयरफॉर इट इज कमिंग एज ए बंडल्ड प्रोडक्ट। उन्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करने तक सीमित नहीं रहना है, वो कैसे सुधार ला पाए उनके अंदर। तो दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक यू हैव टू पोजीशन योर प्रोडक्ट दैट वे। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बट नाउ कैसे इसको आगे ले जाएंगे? एक तो है कि देखिए बहुत सारे NGOs अभी देश में बच्चों के साथ काम करते हैं और मेरे ख्याल में दे विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। तो उसमें क्या है कि इट्स अ चैरिटेबल वर्क, साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है, जो कि मैं पहले ही बताया कि क्लिनिक बेस्ड अप्रोच आप ले सकते हैं, जहां पर यू अटैच विथ साइकोलॉजिस्ट और हैव अ स्टैंड अलोन क्लिनिक, जहां पर पूरे ये आएंगे, डिटेक्शन होंगे, आप उसको पाथवेज देंगे, दे विल बी गाइडिंग देम थ्रू द एंटायर लर्निंग प्रोसेस, और बच्चे को पूरा एकदम आगे ले जाएंगे, उसके जो कोर स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएंगे। तो उस हिसाब से एक मॉडलिंग करना पड़ेगा। तो जरूर इसमें दोनों तरह से आप सोच सकते हैं। उस पर तो अभी हम बात करते हैं, अजय जी भी इस पर कुछ ना कुछ कहेंगे। अब अजय जी बताएं क्या फिक्की मदद कर सकता है मिलेंगे मलाई। पहले तो मैं फंडिंग की बात थोड़ी देर में करूंगा। सबसे पहले फिक्की और ऑर्गेनाइजेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप से। ये जो आपने इमेजिंग टेक्नोलॉजी बताई फॉर लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, इस लैंग्वेज रीडिंग स्किल्स, ये इंडिया में तो 10 साल से अभी रिसर्च शुरू हुआ है। US में और कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कुछ ज़्यादा टाइम से चल रहा है। हम इसको री इन्वेंट टेक्नोलॉजी को करने की जगह उनके साथ पार्टनरशिप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, वो हम फिक्की के थ्रू आपको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में HR कैपेबिलिटी पीपल लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फंडिंग भी हम दे सकते हैं, कुछ पीयर ग्रुप
अवेयरनेस प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे जिनके साथ पार्टनरशिप करके इसको अवेयरनेस करना है, स्कूल में और क्लिनिक एरिया में जहां आलोक जी ने बताया, या पीडियाट्रिशियंस के साथ, या तो इसके लिए हम आपको मिलेनियम अलायंस फिक्की के बिहाफ पे अभी आपको 30 लाख का ग्रांट देते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई इस पर। ये एक बहुत बड़ी मदद होती है हमेशा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इनोवेट इंडिया का मंच सिर्फ कहानियां रखने के लिए या स्टोरीज रखने के लिए नहीं है, ये मंच इन इनोवेटर्स को एक ऐसा मौका दिलाने के लिए भी है जहां पर वो अपने इस सपने को, इस इनोवेशन को और आगे बढ़ा सकें। जैसा आप कह रही थी डॉक्टर नंदिनी कि आप चाहती हैं कि ऐप के जरिए या गेमिंग के जरिए आगे बढ़े, तो आपको लगता है 30 लाख का जो ग्रांट है वो आपको इसमें मददगार होगा या पर्याप्त होगा? जरूर, बहुत, हर ग्रांट मददगार होता है, बिल्कुल, ये तो निसंकोच है। सरकार में ये रिकग्निशन ऑलरेडी आ गई है और आप लोग ये भी जानते होंगे कि दिसंबर में पार्लियामेंट ने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया है। इंडिया में एक अनोखी चीज हुई है ये, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका एक हिस्सा डिसलेक्सिया है वो पहली बार इंक्लूडेड है इसमें, तो इसकी अब अवेयरनेस भारत में कई जगह फैल गई होगी। आपको बहुत सारी बधाई, मिलेनियम अलायंस की तरफ से आपको एक ग्रांट मिला है 30 लाख रुपए का, और मुझे उम्मीद है कि जो आप सपना देख रही हैं वो पूरा हो पाएगा और इनोवेट इंडिया का ये मंच आपका भी इंतजार कर रहा है। तो अगले हफ्ते एक नए इनोवेशन और एक नए इनोवेटर की कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं मिलेनियम अलायंस की बहुत आभारी हूँ कि इतना बढ़िया ग्रांट देके हमें इतना बढ़ावा दिया है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये एप्लीकेशन हम बच्चों तक और माँ बाप तक पहुँचा पाए। थैंक यू वेरी मच इनोवेट इंडिया फॉर बीइंग सो एनकरेजिंग एंड गिविंग अस सच अ पुश। वी होप टू डिलीवर ऑल वी हैव प्रॉमिस्ड वेरी सून।